अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो भाई आज है 14 ऑफ अगस्त 75th एनिवर्सरी। तो सबसे पहले आप लोग सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज 14 ऑफ अगस्त है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग से एक स्टोरी शेयर की जाए। तो मेरे पास जो है वो दो गेस्ट हैं जिनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। तो गेस्ट को मैं इनवाइट करता हूँ, भाई शाजिब और हसन आ जाएं। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड। जब फोटोग्राफी पे हम लोग का मतलब बाकी सब लोगों का बहुत दिल किया करता था। तो 14 अगस्त पे हमने सोचा कि क्यों ना उसके बैकग्राउंड में बाकी सब चीजें जो है उसकी वो क्यों ना मजारे कायद पे जाया जाए, वहां पे भी बहुत ज्यादा जोशो खरोश है और बहुत ज्यादा आवाम आती है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम तीनों जाएंगे उधर। तो वहां पे जब पहुंचे तो बहुत ज्यादा रश था। तो हमें जो है वो शाजिद साहब कहते हैं कि यार पास लिए बगैर हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे विदाउट फैमिली जाने नहीं। तो अगर हम लोगों ने पूछा भी नहीं तो 20 रुपए का टिकट था एंट्री, 20 रुपए का टिकट था एंट्री टिकट। लेकिन शाजिद ने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ से कूद जाते हैं। ये कार्यक्रम बता कि कुछ बाहर की कुछ रोड मेन रोड है साइड में जो बड़ी बड़ी ग्रीन लगी, कदम यहाँ से कूद जाते हैं। इसने बोला यार कुछ ही नहीं होता, सब जाते हैं, हम लोग भी चलते हैं ना। सबसे पहले शाजिद कूदा, फिर मैं कूदा और फिर ये हसन कूदा। तो जरा से थोड़ा सा आगे गए तो हम लोग डिसाइड किया कि इस लोकेशन से हम लोग मैं जो है स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर ही गुजरी कि गार्ड की सीढ़ियां बजना शुरू हो गई और जो वहां के जो कार्यक्रम मजार के जो अपने गार्ड थे वो बहुत तेजी के साथ भागने शुरू हो गए हमारे पीछे। अच्छा, ना मैंने कुछ सोचा, ना इसने कुछ सोचा, ना उसने कुछ सोचा और हम तीनों भागने शुरू हो गए। हमारे पास एक बैग था और हम लोग भागने शुरू हो गए। मेरे ख्याल से ये भागा वापस आया और उसके बाद शाजिद ये भागी ग्रीन कूद के भाग गया। मैं ग्रीन कूद के भाग गया, मैं राइट साइड पे भाग रहा, ये सीधा भाग गया। अच्छा मेरी गलती थी, मैं बिल्कुल सीधा भाग गया। जहाँ पे और सारे गार्ड खड़े थे उस ऐसी बात है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ आइडिया नहीं था। हम बिल्कुल मैं सीधा भागने लगा, ये राइट साइड पे गया, ये तो वापस ग्रीन कूद के बाहर चला। भाई मैंने देखा जब मतलब गार्ड वगैरह सीढ़ियां बजना शुरू हो गई मतलब जगह जगह से ना, इसने क्या किया उन दो से जो दो भाग कर आ रहे थे हम लोग की तरफ तेजी से, ये उनसे अब बिल्कुल अपोजिट गया। वैसे तो इसने सोचा सही लेकिन इसने भागने का देखा कि उन्हीं के एरिया में भाग लगा। मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया, मैं हम लोग जो है वो सेम गेटअप था हम तीनों का, हम लोग कुर्ता शलवार व्हाइट कलर का पहने हुए थे और ग्रीन कलर का दुपट्टा हम लोगों ने जो है वो डाला हुआ था। तो उस टाइम पे मतलब इस तरीके का चल रहा होता तो हम लोग वो सब तीनों ना सेम आउटफिट इस तरीके पहन के करते। तो मैंने जो जल्दी से दुपट्टा उतारा, हाथ में लपेटा और ग्रिल से एक पांव रखा और दूसरा बाहर। हालांकि वो ग्रिल वगैरह अच्छी खासी ऊंची है लेकिन उसने कुछ समझ यार मैं तो बिल्कुल बाहर, बैग लेके ये भाग रहा है और दूसरी साइड पे ये भाग रहा है। अच्छा अच्छी बात है बैग मेरे पास था, फिर भी इसको मारा। अच्छा इन लोगों को पकड़ लिया, अब ये लोग भागने शुरू हुए। मैं तो क्योंकि बाहर जा चुका था मैं वहां से ना थोड़ा चुपके चुपके से देखना शुरू किया। थोड़ी सी देर में इसको पकड़ा क्योंकि इसका बैग वगैरह था तो काज भाग ही सकता। अच्छा मैं इसको पकड़ा एक दो दिन मेरे साथ इसके पास एक दो गार्ड थे उसने इसको पकड़ के खड़ा कर दिया। अच्छा मैं इतना दूर भागा था और वो चार पांच गार्ड मेरे पास आके भागने शुरू हो मुझे पकड़ लिया। मैं रुक गया, मैं एंड में पकड़ा और मुझे ऐसे ये यहाँ से पकड़ते हुए थोड़ा सा दूर तक ये खड़ा हुआ था। शाजिद तो बाहर जा चुका था। अच्छा वहां से पकड़ते हुए शाजिद तक लुक पकड़ते और कंटिन्यूसली मारते हुए लेकर आ गए। उन्होंने यानी कि मेरे ख्याल से एक मिनट का रास्ता होगा, एक मिनट उन्होंने अगर एक सेकंड के लिए थप्पड़ हो। अच्छा इसको यरगमान बनाया हुआ ऐसे करके। अच्छा ऐसे करके, अच्छा पिता ये बच गया, ये भागा भाई
ये बोलता है कि मुझे मारा, मुझे मारे सिर्फ दो चमार, दो मारे होंगे, तीन मारे होंगे, गवाह बाहर से देख रहा था। अच्छा मुझे उस एक मिनट के अंदर इतने थप्पड़ मारे थे कंटिन्यूअसली, यानी एक सेकंड तक भी उन्होंने ऐसा नहीं था कि रोका हो थप्पड़। भाई ऐसा पता क्या हुआ, इसके पास कैमरा बैग था ना, तो ये तो तेजी से भाग गया, तो इसको पहले पकड़ लिया। अच्छा ये थोड़ा सा और डिफरेंस है, आगे उसके भागा तो इसको वहां पे भी जाके पकड़ लिया। अच्छा गुद्दी से दोनों को पकड़ा हुआ ना इन्होंने, इसको झुका के लेकर आ गया और तबियत से लगाते हुए आ रहा है इसको, भाई किस्सा ही कुट लगाते हुए इसको दोनों को साथ लेकर आया, उन दोनों को पकड़ा और जाके जो है वहां पे इन लोगों को मतलब एसएचओ जो था उसने रेंजर्स के हवाले किया हमें, उनके गार्ड के मतलब पुलिस के हवाले, पुलिस के रेंजर्स के, तो रेंजर्स वाले अच्छा मार वार तो पड़ी, तो रेंजर्स वाले के पास जब हुआ तो ये था कि थोड़ा सा मार फिर हुआ नहीं पड़ी हम लोग को, नहीं उन्होंने मारना छोड़ दिया था। हाँ कहा से आया और क्या करने आया, बैग में क्या है तुम लोग के पास, हमने कहा तुमने बैग चेक किया, बैग में कैमरा था, किस मुल्क से आए हो, दहशतगर्द हो, क्या करने आए, कौन सी जासूसी करने आए, ये क्या है, मतलब ये ऐसा था कि हमारी लाइफ का 14 अगस्त जब भी आती है हमारा ये भाग्य है ना। अच्छा उस वक्त जख्म हमें छोड़ा है उन्होंने इस वजह से कि हम लोग इतनी इनकी रिक्वेस्ट है कि मेरा भाई पांव पे गिर गया था, उनके भाई छोड़ दो जाने दो भाई, क्या करते ऐसी सिचुएशन थी कि आप सोचे कि किसी दहशतगर्द को उन्होंने पकड़ लिया हो। इसको ज्यादा मारने की वजुहत ये भी थी, एक तो हम लोग जो है ना उस टाइम बिल्कुल बेल्ट वगैरह बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल ही चिकने छोटे हुआ करते थे, मैट्रिक बस फेयर की बात थी ना, तो उसमें हम लोग की बेल्ट वगैरह, मेरी और शादी की तो उस टाइम तक नहीं आई थी, इसकी आई थी थोड़ा पक्का पक्का लगता है उसको, तो भाई तबियत से मारा, उसके बाद जाके इंक्वायरी वगैरह की, दोनों से पूछा कहाँ से आयो, क्या करने आयो, ये काम अच्छा किया, बाहर भाग के तीन टिकट खरीद के ले आया। अच्छा गई हम लोग पिट गए, सब कुछ हो गया, हम लोग बाहर छोड़ दिया हम लोग, उसके बाद ये हम लोग बाहर है और ये टिकट लेके हमारे पीछे चल रहा है। मैंने मैंने असल में पता क्या, मैंने सोचा कि इन लोगों को पकड़ा है, मुझे नहीं पता कि क्या बात हो रही है ना, मैं तो सिर्फ दूर से इन लोगों को पिटते हुए देख रहा हूँ कि क्या हुआ, मैंने टिकट लेके जाऊंगा कम अज कम भाई ये तो प्रूफ रहेगा कि हम लोग टिकट लेकर अंदर आए थे, ऐसा नहीं हो ना, मैंने लगा कि बंदा झुठला सकता है ना यार, कि यार हमारे पास तो टिकट है, हम लोग क्यों कूद कर आएंगे। फिर मैं गया बाहर से लाइन लगाई, मैंने बाहर से जाके तीन टिकट लिए, अच्छा मैं यहाँ से एंटर हुआ दोबारा, बैग से ये लोग निकल कर आ गए, ठीक है। अब मैं वैसे गेटअप में जाहिर है सलवार कमीज तीनों का सेम था, व्हाइट कलर का और ग्रीन कलर दुपट्टा, तो मैं जैसे एंटर हुआ ना उसने मुझे पकड़ लिया, वहां पे आके मुझे उसने बिठा दिया। अच्छा मुझसे दोबारा पूछने चलो तुम लोग कहाँ से आए हो, मैंने बोला भाई हम लोग इस जगह से आए, क्यों आए थे, तो बोला वो दो बंदे तुम्हारे साथ थे, मैंने कौन दो बंदे, मैं तो भाई मुंह पे मुकर गया, मैंने बोला ऐसा नहीं उन लोगों को पड़ी है, चल मेरा भाई इसको भी दूर बढ़ा। लेकिन फिर हम वापसी बाइक को वापसी आए, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी मार मार ली है, क्योंकि हम बाइक को मैं पीछे बैठा हुआ था, इतनी लाल हो रही थी। हाँ भाई मेरे को तब एहसास हुआ कि उसको बहुत मारा यार, कान गुड्डी पीछे कमर पे भी क्या बताऊं, मारा वो नहीं बताता नहीं आज तक भाई, मारा जरा से मजार से लेके हम लोग, अच्छा वहां पे तो जाहिर है। अच्छा उसके बाद क्या होता है जब उन्होंने छोड़ दिया इसको इतनी रिक्वेस्ट करने पे, ये साहब उनको बोलते हैं पहली फुर्सत में निकल, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, अब जाओ यहाँ से, हमने उन्हें माफी मांगी, माफी मांगी, उसके बाद जब मैंने उसको बोला हमें दोबारा तो हमें दोबारा में जलील करके उसने वहां से बाहर निकाल दिया, तो बोला यहाँ पे देखना नहीं ना। तो बस जब भी 14 अगस्त आता है तो बस हमारे लिए बहुत ज्यादा यादगार मोमेंट होता है, बहुत ज्यादा लिटरली ये स्टोरी हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता ये स्टोरी, लोग बोलते हैं कितनी बड़ी बेवकूफी की तुम लोगों ने, तो बस मार देते हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 5 साल हो गए ना, 2017 की बात, 5 से 6 साल हो गए। अगर आप लोगों को स्टोरीज वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, और हम लोग बहुत मजे मजे की स्टोरीज हैं, तो चलते हैं भाई खत्म करते हैं इस स्टोरी को यहीं पे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये भाई अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, चलो भाई।